इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने Realme स्मार्ट टीवी के अंदर जो है जो अपने इनपुट आउटपुट की सेटिंग्स होती है वो कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल है, जब इनपुट ये रहता है जिससे कि हम पूरा यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, ये सेटिंग्स हमें यहाँ पर नहीं मिलती इसकी। लेकिन अब ये सेटिंग्स कहाँ पर मिलती है और आप कैसे सेट कर सकते हैं ये आपको बताऊँगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर साइड में इनपुट कनेक्टेड एंड सेटिंग्स मिल जाती हैं, सेटिंग्स में आपको जाना है। और जब सेटिंग्स में आप जाएंगे तो नीचे आइए यहाँ पर डिवाइस प्रेफरेंसेस पर, ठीक है, इस पर चले जाइए फिर। और यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा फिर इनपुट्स, तो इनपुट्स पर जाइए। और इनपुट्स पर जाने के बाद यहाँ पर HDMI 3, HDMI 2 और HDMI 1 यहाँ पर स्टैंड बाई इनपुट्स रहते हैं ये, ठीक है, PC वगैरह में भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर नॉट कनेक्टेड इनपुट ये, और उसके बाद HDMI कंट्रोल यहाँ आता है, यहाँ पर कंज्यूमर इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम पूरा का पूरा, और CE डिवाइस लिस्ट यहाँ पर रहती है। तो आप यहाँ पर इनको मैनेज कर सकते हैं, अलाउ TV कंट्रोल HDMI डिवाइस, तो इसको आप सेट कर सकते हैं। तो ये रहती है यहाँ पर इनपुट की सेटिंग्स, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर ये HDMI वगैरह सब चीज़ आप लगा सकते हैं DVD वगैरह से। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।